आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। नमस्कार, न्यूज फर्स्ट नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर खास बात। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय बृजेश मिश्रा जी के साथ। सर, आपसे सवाल ये है, पहला नंबर सवाल ये है, शिवसेना के दो गुप्त के कारण क्या है, आप बताइए। ठीक है, बात जावेद जी, शिवसेना हमेशा से महाराष्ट्र में एक मुख्य पार्टी के रूप में रही है। शिवसेना हमेशा से, चाहे वो बाळासाहेब ठाकरे का समय रहा हो, चाहे वो उद्धव साहब ठाकरे का समय रहा हो, हमेशा से वो महाराष्ट्रियन के लिए हिंदुत्व के नाम पे और यहाँ के लोकल लोगों के लिए लड़ती रही है। अब शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके युति बना करके सरकार बनाई, उद्धव साहब माननीय उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन माननीय उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद वो दूसरी पार्टियों को खुश करने के लिए, दूसरे लोगों को बचाए रखने के लिए, अपने निजी लोगों को जो शिवसैनिक थे, उनके जो उनके घर के लोग थे, उनको नहीं संभाल सके। और आज उसी का कारण ये हुआ कि एकनाथ शिंदे और उद्धव साहब ठाकरे के रूप में शिवसेना दो गुटों में बट गई। सर, सवाल नंबर दूसरा है आपसे, क्या एनसीपी की चाल के तहत उद्धव ठाकरे को अपना पद दबाना पड़ा, ये क्या खास बात रही? जी बिल्कुल, यह एनसीपी शिवसेना के साथ में युति करने के बाद माननीय उद्धव साहब ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद तो दिया, लेकिन उन्होंने जो अहम मंत्रालय और मुख्य मुख्य मंत्रालय थे वो अपने पास रखा, और जिसकी वजह से बाकी के जो दूसरे लोग शिवसैनिक थे वो नाराज हुए। और आज उसी नाराजगी का कारण ये देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार गिर चुकी है और एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के नए सीएम बनने वाले हैं, ये उसी नाराजगी का मुख्य कारण रहा है। बहुत बढ़िया बातें आपने सर कही। सवाल नंबर मेरा तीसरा है, सरकार गिराने और सरकार नई सरकार बनाने का बीजेपी का क्या भूमिका रही? क्योंकि बीजेपी विपक्ष में बैठने के बाद से ही ये हमेशा इस कोशिश में रही कि कब मुझे मौका मिले और मैं विपक्ष से हट के सत्ता के पद पर बैठी। कोई भी रहे, कोई